సిటీ ఇండియా న్యూస్ తెలుగు. వెల్కమ్ టు సిటీ ఇండియా న్యూస్. మహబూబ్ నగర్ నిత్యం తన నియోజకవర్గం అభివృద్ధి కోసమే పరితపించే మహబూబ్ నగర్ బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మంత్రి వి శ్రీనివాస్ గౌడ్ కు మరొకసారి అవకాశం ఇవ్వండి, ఆశీర్వదించి మరోసారి అసెంబ్లీకి పంపండి, అభివృద్ధిని కొనసాగించడంతో పాటు మీకు ఇప్పటిలాగే ఎప్పటికీ ఆపదలో అండగా ఉంటాడని హోంమంత్రి మొహమ్మద్ అలీ అన్నారు. ఆపదొస్తే ఆదుకుంటాడని, ఈ ప్రాంతాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేస్తాడని, ప్రజలందరికీ అండగా ఉంటాడని, అందుకే మహబూబ్ నగర్ బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా మంత్రి వి శ్రీనివాస్ గౌడ్ గెలిపించాలని కోరారు. మైనార్టీల సంక్షేమం బీఆర్ఎస్ వల్లే సాధ్యమని ఆయన అన్నారు. శుక్రవారం నాడు పట్టణంలోని షాసాబ్ గుట్ట మోటార్ లైన్ మసీదుల వద్ద నమాజ్ అనంతరం మంత్రుల ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు. షాసాబ్ గుట్ట దర్గాలో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేశారు. మైనార్టీ సోదరులకు చేసిన అభివృద్ధిని వివరించారు. సీఎం కేసీఆర్ ఆధ్వర్యంలోని బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలోని ముస్లిం మైనార్టీల అభివృద్ది సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేసిందన్నారు. సంక్షేమ కార్యక్రమాలను చేపట్టిందని తెలిపారు. कांग्रेस दिया, क्या दिया?
ఎలక్షన్ అయిన వాళ్ళతో ఫోన్ తో పక్కడికే గుర్తిస్తూ పక్కడికే ఎక్ ఐసా ఫ్లోర్ నికాలే బస్ నికాలే సో వాళ్ళ కల్ కే దిన ఆపే ఘర్ మే కుచ్ హార్ట్ అటాక్ హువా యాక్సిడెంట్ హువా ప్రాబ్లమ్ మే ఆతా బోల్నే వాళ్ళ బోల్ కే జాతా నా ఇస్కా స్టేట్ పూస్ కరేగా ఏ కంట్రీ తో వో కంట్రీ మే జాతా అపనే స్టేట్ మే క్యా హై క్యా కమ్ హై బోలో బాజూ వాళ్ళ మే బోల్ నికా करना रखे वोटा निकालना मुझे बोले तीन बच्चे को वोटा निकाल देना और इसको वोटा निकाल देना और क्या क्या के बुर्का ले पहनना अलग 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 निकाले बने यहाँ कह आज रात तो हमारे बहन ऐसा रोड के ऊपर जा सकते आ सकते तुम्हारा निशान है ना वहां क्या है करना रखे खाना के पानी नहीं है पीने का पानी नहीं कुछ भी नहीं और तो उनको फ्री बस लो के बोले बस उसको निकाल दिया पूरा निकाल दिया मगर तुम उसने और तो नहीं नहीं करना नहीं जाना करते क्यों बोल तो फ्री है ना उसको करनी है ना लेडीज का स्पेशल बस है जैसे मतलब और मगर तुम उसको स्पेशल बस है क्या क्या है वो चोर लोग हैं हम लोग उन लोग का तो चेक करने गए तो अरे अच्छे उन लोग का सौ लोग आए मैंने ऐसा पुकारा होटल में बात करते रहता अरे ऐसा करते ऐसा करते तो अपन देखना ना अपन कल अपन लाइफ अपन देखना क्या पुकार सुनना इतना लोगों को 18 करोड़ रुपये चेक दिया हुआ तो 18 करोड़ रुपये आपको कहाँ से ला देते थे आकर टाका दो रोल से बोल तो ठीक है तीन रोल हम तो देख ही होते रहता तीन रोल कम आते थे अब एक क्यों बोले तो विकेट कैसे आया था उनका क्या आया था क्यों फ्री है ना मैं मेरे कहना फ्री कर रहा क्या जाते उतना है उतना सवाल कुछ है 55 इयर्स में एक मुसलमान मैं भी शुरू से 2001 से साथ में साथ मैं उनके साथ चल रहा था मूवमेंट में हर जगह रहा हूं तकरीबन दुनिया में बहुत लीडर पैदा होते हैं मगर केसीआर साहब की तरह लीडर सदियों में पैदा होता है क्योंकि केसीआर साहब एक बात बोलते हैं लीडर पॉलिटिक्स में अगर कोई आदमी आना चाहता है ना उससे थोड़ी चीजों से मोहब्बत होना चाहिए एक पहले अपने वतन से मोहब्बत होना चाहिए और वतन में बसने वालों से मोहब्बत होना चाहिए जब ही देश अपना इससे काम नहीं कर सकता मेरे भाइयों बहनों आज इस तरह हमारी स्टेट हर छोटे हाल में तेलंगाना बनने से पहले हमारे सीएम सब कई बार उन पार्टियों से मुलाकात करते थे जिनके पार्टी के लीडर्स पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करते हैं क्या कहते थे कि तेलंगाना बिहार को आप सपोर्ट कीजिए मैं समझता हूँ मायावती मंडल से 11 बार मिले दोस्तों सभी एक ही बात कहते थे अरे बैकवर्ड तेलंगाना लेके क्या रहेंगे राव साहब तेलंगाना में बोर नहीं है तेलंगाना में पीने का पानी नहीं है तेलंगाना में रेसिज्म है तेलंगाना में हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता रहता है तेलंगाना के किसान सुसाइड करते हैं ये बैकवर्ड तेलंगाना लेकर क्या करें पर हमारे सीएम साहब क्या कहते थे मुझे पूरा भरोसा है अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बहादुर आवाम है तो वो तेलंगाना की मुझे 10 साल का मौका मिले थे 10 साल के अंदर मैं हिंदुस्तान में नंबर वन स्टेट तेलंगाना को बना दूंगा लोग मजाक उड़ाते हमसे कई लोग कहते थे क्या भाई दीवाने माता कर रहे क्या कर सकते सीएम साहब ने पावर को कंट्रोल किया कालेश्वर प्रोजेक्ट तैयार किया ड्रिंकिंग वाटर किसी स्टेट में टैग के जरिए नहीं है आपके पास जो हमारा प्रेशर से आता है इस सिस्टम से कैसा हमारे खुशहाल है रही तो बंद हो रही तो विवाद सिंह आएगा और हर स्टेट में कोई चीज नहीं है जितने हमारे स्टेट में और खासतौर से मुसलमानों के लिए सबसे पहले मुसलमान चाहते हैं हमारे चाहते हैं आप देखिए 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ 1948 में वे हिंदुस्तान में दम किया गया 2014 तक 50 साल कांग्रेस हुकूमत की 17 साल तेलुगु देशम ने कभी भी दंगा फसाद रोक नहीं सकी अगर कोई रोकने वाला लीडर है तो वो केसीआर साहब दो चार बात और बता दूंगा ज्यादा नहीं बजट के बारे में बताऊंगा क्या मौलाना साहब ने पूरा बताया घटना घटना तो मैं भी जरा स्टेट का बता दो किस तरह हमारे सीएम साहब किस
तरीके से मदद कर रहे हैं। हमारा जो बजट है ना, जो माइनॉरिटी बजट कहते हैं, जो 2004 से 2014 तक यहाँ पर कांग्रेस ने हुआ की टोटल तो 50 साल किए, पर हमसे पहले 10 साल किए। 2004 से 2014 तक कांग्रेस का जो माइनॉरिटी बजट मुकम्मल खर्चा किया गया 934 करोड़ रुपए। वही के सियासत 2014 से 2023 तक 9 साल पहले के अंदर करीब 12,000 करोड़ खर्चा करने वाला लीडर के सियासत स्कूल, क्योंकि तालीम तो क्या चीज है। कांग्रेस ने हमें, हमारे बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ पर हैं, कांग्रेस ने हमें तबाह किया है, तो सबसे पहले हमारी जबान हमारी तालीम चीज है। कांग्रेस 50 साल की हुकूमत में 12 स्कूल, एक इंटरमीडिएट कॉलेज हुआ। देखिए गरीब लोग स्कूल में नहीं भी जा सकते, बच्चों को घर में टीचर नहीं दे सकते, स्कूल ले आके छोटा स्कूल लेके आना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक उन्हें रेजिडेंशियल स्कूल नहीं खोले गए, सीएस साहब ने 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोला है। कांग्रेस ने 50 साल में 12 रेजिडेंशियल स्कूल, एक इंटरमीडिएट कॉलेज खोला है। हमारे सीएम साहब ने 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले, उनमें जो बच्चे पढ़ते 1,30,000 बच्चे पढ़ते हैं, 58,000 लड़कियां पढ़ते। आपके पास 6 स्कूल आ चुके हैं, अभी मोहन ने बताया 3,000 बच्चे पढ़ते, 3,800 बच्चे पढ़ते। आप देखिए, 1 पैसा रेस करना नहीं पड़ता किसी के मुसलमान को। आज वो बच्चे हमारे रिजल्ट से स्कूल गए। मैं हमारे बुजुर्गों का फिगर बताना चाहता हूँ, इस साल जो है 10-11 बच्चे एमबीबीएस में दाखिला है, 11 बच्चे एमबीबीएस में दाखिला है, बीडीएस में 143 बच्चे बीडीएस में दाखिला है, 1500 बच्चे इंजीनियरिंग में दाखिला है, टोटल 5,300 बच्चे। किसके बच्चे हैं वो ऑटो चलाने वाले के, रक्षा चलाने वाले के, होटल में प्यालियां धोने वाले के, पंक्चर बनाने वाले के, ये गरीब से गरीब तक मुसलमानों के बच्चे आज आला से आला तालीम हासिल कर रहे हैं। कांग्रेस क्या करती थी हमारे बुजुर्ग जानते हैं। हैदराबाद में फिसाद होता, उसके बाद कांग्रेस का लीडर आता, एक पैकेज जाकर धंधे में 10 किलो चावल, 5 किलो गेहूं का आटा, 1-2 किलो शक्कर, 1 किलो पत्ती, 1-1 किलो दाल रखे बैठे के बहलाते, ये बीजेपी फिसादात करा रही है। अरे बीजेपी फिसादात करा रही है तो आप ये रोक नहीं सकते? केसीआर पर रोका है ना, आप कभी भी रोके क्या बताइए? कभी नहीं रोके। और हमारी जबान हमारी तालीम जो खींची गई है ना, आज हमारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जाकर पढ़े, और बच्चे